नमस्कार दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं हमारा जो नया एटीएम कार्ड है वो हमारे पास पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं नया एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप नया पिन बनाने जा रहे हैं, नया एटीएम का पिन जनरेट करने जा रहे हैं, तो आपको जो है पंजाब नेशनल बैंक की ही मशीन में जाकर आपको अपने पिन को बना सकते हैं। यानी फर्स्ट टाइम आपको पंजाब नेशनल एटीएम मशीन में जाना होगा अपना पिन बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं पंजाब नेशनल एटीएम मशीन में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल एटीएम मशीन में पहुँच चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं एटीएम मशीन में पहुँच चुका हूँ। एटीएम मशीन में पहुँचने के बाद अपना एटीएम कार्ड को इस तरह से पकड़ना, ये जो चिप वाला पर्सन है इसको आगे रखना है, आगे की तरफ रखना है। चिप वाला पर्सन को आपको आगे की तरफ रखना इस तरह से, और एटीएम मशीन के अंदर इस तरह से आपको यहाँ पे डालना, इंसर्ट करना इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना एटीएम मशीन के अंदर अपना एटीएम कार्ड को यहाँ पे डाल लेता हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्लीज वेट डू नॉट अवॉइड डैमेज, यानी आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। एटीएम कार्ड डालने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना एटीएम पिन जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रिएट चेंज पिन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेगा, बटन पर क्लिक करेंगे, अगर टच रहेगा तो टच पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा ओटीपी जनरेशन। तो सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पे ओटीपी जनरेशन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद देखेंगे योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस प्लीज वेट, यानी आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अपना एटीएम कार्ड को अपने बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपका बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को आपको आगे फिलअप करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सिंपली क्या करना, अपना एटीएम कार्ड को फिर से इस तरह से पकड़ना है दोबारा, और अपना एटीएम कार्ड इसके अंदर इंसर्ट करना है, इसके अंदर डालना है। तो चलिए यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड को डाल लेता हूँ। एटीएम कार्ड को अंदर डालने के बाद आप यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा फिर से आपको क्रिएट चेंज पिन जी पिन, यहाँ पे क्या करना, क्रिएट चेंज पिन पे आपको दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बटन पर क्लिक करना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ओटीपी मिलने के बाद आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ओटीपी वैलिडेशन। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको ओटीपी वैलिडेशन पे आपको दोबारा इस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने बाद क्या करना, आपका जो ओटीपी आया होगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो भी बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना। यहाँ पे आपको देखने लगेगा बटन, यहाँ से क्लिक करके। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ओटीपी को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको देखने लगा यस। बस क्या करेंगे, सिंपली अपना यस वाला बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस प्लीज वेट, यानी आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने लगा प्लीज पिन चेंज प्लीज इंटर योर न्यू पिन, यानी आपको यहाँ पे 4 डिजिट का आपको यहाँ पे पिन टाइप करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना 4 डिजिट का अपना पिन को यहाँ पे सही सही टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, अपना 4 डिजिट का आपको यहाँ पे पिन टाइप करना होगा। यहाँ पे अपना पिन टाइप करने के बाद फिर से देखने लगा पिन चेंज प्लीज री एंटर योर न्यू पिन, यानी आपको दोबारा वही पिन को आपको दोबारा टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पे अपना दोबारा पिन को टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे दोबारा टाइप करने के बाद देखेंगे योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस प्लीज वेट, यानी आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे देखेंगे पिन चेंजेड सक्सेसफुली, यानी आपका जो एटीएम कार्ड का पिन है ये सक्सेसफुली यहाँ पर चेंज हो चुका है। चेंज करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल मैं एटीएम कार्ड को इसके अंदर से आपको सिंपली निकाल लेना। निकालने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे अगर क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुली आपका जो पंजाब नेशनल का एटीएम पिन है सक्सेसफुली आपका जनरेट हो चुका है, अपना एटीएम पिन यहाँ पे आपका बन चुका है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम पिन क्रिएट कर सकते हैं, अपना एटीएम पिन बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।